हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबकी तरफ से आपका दोस्त विराट अरोड़ा अपने एजुकेशन मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर को हाथ जोड़कर एक अपील कर रहा हूं कि जितने भी क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स हैं उनको कैंसल कर दिया जाए, चाहे वो सेंट्रल बोर्ड के हों या वो स्टेट बोर्ड के हों। और इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। कारण नंबर एक कि एग्जाम क्यों कैंसिल करने चाहिए। इस समय कोविड-19 की वजह से एक बहुत ही नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ हुआ है और हम अच्छे से जानते हैं, आए दिन हम बुरी खबरें सुन रहे हैं जिनको यहां मैं रिपीट नहीं करना चाहता। तो बहुत सारी डेथ की न्यूज और भी तरह तरह की न्यूज हम सुन रहे हैं, जिसकी वजह से एक बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ हुआ है, एक भय का एनवायरनमेंट है। और जब कोई बच्चा भयभीत होता है तो वो तैयारी क्या करेगा अपने एग्जाम की। तो पहला कारण तो ये है कि कोविड-19 के स्ट्रेस के कारण, एक भयानक सिचुएशन जो सामने है उसके कारण, उसको ध्यान में रखते हुए एग्जाम्स को कैंसिल कर देना चाहिए। जैसे क्लास 10th के कर दिए, उसी तरीके से क्लास 12th के भी एग्जाम कैंसिल होने चाहिए, क्योंकि ये बच्चों की हेल्थ का विषय है। दूसरा रीजन, स्टूडेंट्स आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड। अभी बहुत सारे बच्चे वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है एग्जाम देने के लिए, क्योंकि आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो नेगेटिव है और बार बार एग्जाम की जो डेट चेंज होती है, जो बार बार सिलेबस का कुछ प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं आता है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि नीट के एग्जाम का भी आज की डेट तक भी कोई प्रॉपर सिलेबस नहीं बताया गया कि पूरा सिलेबस आएगा या रिड्यूस्ड आएगा, इसको लेकर के भी अभी संशय है। और बोर्ड एग्जाम के लिए जो डेट आगे बढ़ रही है उसकी वजह से बच्चों को तैयारी करने में खासी दिक्कत आती है। आप सपोज करिए कि अगर चुनाव की डेट ऐसे ही बार बार आगे पीछे होती रहे तो क्या हमारे नेता सही से रैली कर पाएंगे? तो जब नेता सही से काम नहीं कर पाएंगे तो हम बच्चों से कैसे एक्सपेक्ट करें कि वो बार बार एग्जाम की डेट बदलने से इस भय के वातावरण में अपने काम को अच्छे से कर पाएंगे। तो इसीलिए कोविड-19 का ध्यान रखते हुए और स्टूडेंट्स के स्ट्रेस का ध्यान रखते हुए एग्जाम को कैंसिल कर देना चाहिए। उसके साथ साथ इस बार कंडीशंस पहले से बहुत डिफरेंट रही। कुछ बच्चों को इंटरनेट फैसिलिटी जिनको अच्छे से प्रोवाइड हुई वो थोड़ी बहुत तैयारी कर पाए, और जहां पर जो रिमोट एरियाज में रहने वाले बच्चे हैं, विलेजेस में रहने वाले बच्चे हैं, जहां पर इंटरनेट फैसिलिटी, बहुत अच्छे टीचर्स जो ऑनलाइन पढ़ा सकें वो नहीं मिल पाए, उनके लिए भी बहुत बड़ी दिक्कत है। तो इसीलिए इस बार जो कंडीशन रही तैयारी करने की वो बहुत ही अजीब रही, कि आधे बच्चे ऑनलाइन पढ़े, कोई जो है पर्सनली टीचर से जाकर के पढ़ा, तो सही से तैयारी हो ही नहीं पाई। और उसके बाद जो चौथा कारण है, अब एग्जाम की वैल्यू कहां रही है? क्लास 12th के एग्जाम की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही। कभी तो पेपर लीक हो जाता है, तो कभी क्लास 12th के बोर्ड के एग्जाम के बेस पर ना तो कोई कॉलेज मिलता है और ना ही कोई जॉब। तो जब कॉलेज भी नहीं मिलना, जॉब में भी नहीं जाना क्लास 12th के मार्क्स के एग्जाम के बेस पे, जब एंट्रेंस ही देना है तो फिर एग्जाम क्यों करवाने? एग्जाम को कैंसिल कर देना चाहिए, और स्पेशली सारे टाइप के स्ट्रेस को ध्यान में रखते हुए। कुछ घरों में कैजुअलिटीज भी हो रही हैं ड्यू टू कोविड, जिस वजह से पेरेंट्स भी बहुत स्ट्रेस में हैं। तो अगर पेरेंट्स स्ट्रेस में हैं तो बच्चा तो अपने आप ही स्ट्रेस में आ जाता है। तो इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। और अब तो एग्जाम्स की कंडीशंस ही बदल चुकी हैं। पहले के समय में एग्जाम इसलिए हुआ करता था ताकि बच्चे को ये टॉपिक या ये चैप्टर या ये सब्जेक्ट
समझ आया या नहीं ये जांचने के लिए। और अब तो ये एक रेस बनकर रह गया है, 90% से ऊपर आएंगे तो आपकी इज्जत है, उससे कम आएंगे तो लोग आपको अजीब नजरों से देखेंगे। अब ये भी सिस्टम चल पड़ा है, तो एक 90% से अबव का जो ये ट्रेंड आ चुका है, जो बच्चों के ऊपर एक जबरदस्ती का स्ट्रेस डाला हुआ है, इस स्ट्रेस को भी रिलीव कर देना चाहिए। और इंटरनल प्रैक्टिकल्स और इंटरनल प्रोजेक्ट्स, इनके ऊपर और रिसर्च वर्क के ऊपर बच्चों का फोकस करवाना चाहिए, रादर देन दिस पेपर पेन टेस्ट सिस्टम। होपफुली मैंने जो कारण दिए एग्जाम्स को कैंसिल करने के, अगर वो आपको सही लगे तो इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट तक। थैंक यू।